कहते हैं जब बुरे दिन चल रहे हो तो कोई भी आंख दिखाकर चला जाता है। ऐसा ही आजकल अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है, जिनको अब बांग्लादेश ने आंख दिखाई। दरअसल झारखंड से जो बिजली सप्लाई का जो समझौता हुआ था वो खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि गिरते शेयरों के बीच बिजली की कीमत कम करने के लिए बांग्लादेश ने मांग उठा दी है। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को पड़ोसी देश बांग्लादेश से इसको बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। ये झटका अडानी ग्रुप को पावर सेक्टर में लगा है, क्योंकि 2017 में जो समझौता बांग्लादेश के साथ पावर सप्लाई समझौते के तौर पर हुआ था, अब बांग्लादेश के अधिकारियों ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट से बिजली आयात करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए समझौते में संशोधन की मांग उठा दी है। अधिकारियों ने चिट्ठी में कहा है कि बिजली सप्लाई की दर ऊंची है, इसमें संशोधन करिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर के महीने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर भारत आई थी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गौतम अडानी के साथ भी मुलाकात की थी, जिसमें कई मसलों पर चर्चा हुई थी। अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र के विकास की देखरेख करने वाली BPDB ने अडानी पावर को एक पत्र भेजकर बिजली की समीक्षा करने की बात कह दी है। दरअसल यह समझौता बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ झारखंड के गोड्डा में कोयला आधारित बिजली संयंत्र से 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पर नवंबर 2017 में समझौता किया था। वहीं अब बांग्लादेश ने पत्र लिखकर इस समझौते में कोयले की कीमतों पर ऐतराज जताया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बांग्लादेश में अधिकारियों ने झारखंड में एक थर्मल पावर प्लांट से बिजली आयात करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए समझौते में संशोधन की मांग कर दी है। अधिकारियों की मांग कोयले की अत्यधिक कीमत से जुड़ी हुई है। वहीं इस मामले पर यह भी कहा गया है कि ढाका में स्थित अडानी पावर के अधिकारियों को भी बता दिया गया है। इसकी जानकारी तब दी गई थी जब बांग्लादेश के बिजली राज्य मंत्री नसरुल हमीद ने जनवरी के पहले सप्ताह बिजली संयंत्र का दौरा किया था। वहीं इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कह दिया है कि एक संप्रभु सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच एक समझौते का मामला है। बागची ने यह भी कहा कि भारत का मानना है कि पड़ोसियों के साथ अधिक आर्थिक रिश्ते हमारे विकास की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास से हमारे पड़ोसी देश कैसे लाभान्वित होते हैं। हमने कनेक्टिविटी को आसान बनाने की कोशिश की है, चाहे वो फिजिकल हो या एनर्जी या पावर ट्रांसमिशन। यह नेवरवुड फर्स्ट की हमारी बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। वहीं अब अडानी पावर की जिस तरह से विदेशों से लेकर के आज एक और खबर आई थी कि अमेरिका के डाउन जोन्स ने भी उनके इंटरप्राइजेस की जो लिस्टिंग है उसको खत्म करने का फैसला कर लिया है, जो कि 7 फरवरी से प्रभावी हो जाएगी। अब उसके बाद बांग्लादेश का जिस तरह का रुख है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि विदेशों से भी अडानी ग्रुप के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।